तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी पुराना कोई भी कॉलर कुर्ती या रेडीमेड कुर्ती से आप न्यू कुर्ती के लिए किस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हो, वो ही मैं इस वीडियो पे दिखाऊंगी। देखिए, आपको सबसे पहले जो फैब्रिक है इसको इस तरह से टू फोल्ड करना है। यहाँ पे देखिए, आस्तीन का जो जॉइंट है, दोनों जॉइंट को बिल्कुल बराबर यहाँ पे मिलाना है। मिलाने के बाद ये जो कॉलर है इसको भी यहाँ पे जो सिलाई है बिल्कुल दोनों सिलाई बराबर ऐसे मिलाना है। सही तरीके से यहाँ पे मिलाना है, इस तरह भी बिल्कुल बराबर रखना है। चारों तरफ आपको बराबर इसको बैठा देना है। फिर देखिए, यहाँ से आपको सीधा मेजरमेंट लेना है। देखिए यहाँ पे कितना है, लगभग 18 है, तो इस तरह से भी आप सीधा ले सकते हो। अगर किसी को इस तरह से लेने से दिक्कत होता है, उस टाइम पे देखिए आपको यहाँ से लेना है। शोल्डर का जो यहाँ पे जो सिलाई है, बिल्कुल सिलाई से आप यहाँ तक देखिए कितना है, यहाँ तक 4.5 इंच मिला है। तो इस तरफ भी 4.5 इंच, उस तरफ भी 4.5 इंच, तो टोटल देखिए कितना हुआ है, 9 इंच हो गया है। फिर देखिए मिडल पे कितना है, यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, यहाँ पे मिला है 3.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच मिला है, मतलब 7 इंच हमें यहाँ पे मिला है। तो कितना हुआ है यहाँ पे, 16 इंच। यहाँ पे देखिए 16 इंच हो गया है। लेकिन यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे 16 इंच हमें शोल्डर मिल गया है, लेकिन नेक का चौड़ाई हमें कितना देना है वो भी इसमें और एक प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे जो सिलाई हुआ है, तो कॉलर जोड़ते टाइम यहाँ पे देखिए जो सिलाई है, फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक देखिए यहाँ पे जो ये फैब्रिक है लगभग यहाँ तक आया है, यहाँ तक इतना तक आता है। इसके अंदर, कॉलर के अंदर ये फैब्रिक रह गया है, तो हमें यहाँ से ही मेजरमेंट लेना है। जहाँ तक ये आया है ये 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पे देखना है, देखिए यहाँ से हमें 3 इंच मिला है इस तरह से। तो अभी इसमें देखिए आपको कितना लेना है, 3 इंच हमें मिला है, लेकिन आपको कितना लेना है। 3 इंच लेने से क्या होता है, यहाँ से जब यहाँ तक आप 3 इंच रखोगे, 3 इंच, उस टाइम पे आपका कॉलर थोड़ा सा लूज रहता है। जिसको थोड़ा सा लूज पसंद है वो 3 इंच लीजिएगा, क्योंकि सिलाई किया हुआ फैब्रिक से परफेक्ट मेजरमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर किसी को नेक के साथ चिपका हुआ कॉलर चाहिए, उस टाइम पे आपको 3 इंच नहीं लेना है, तब आपको 2.75 इंच लेना है। तो 2.75 इंच कितना है, 3 इंच से हमें 200 कम लेना है। इतना तक हमें नेक का चौड़ाई लेना है टू फोल्ड में। जब इस तरह से फोल्ड रहेगा उस टाइम पे इतना लेना है। सिलाई के बाद ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लगभग देखिए 3 इंच या 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये मेजरमेंट लेना है। तो अभी देखिए नीचे की तरफ कितना लेना है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ 0.5 इंच लेना है, यहाँ से यहाँ तक इसको देखिए इस तरह से देना है। फिर गोलाई में थोड़ा सा ऐसे मिला के देना है। और यहाँ से शोल्डर आपको कितना डाउन करना है, जब भी कॉलर कुर्ती या ब्लाउज हो आपको 0.75 इंच डाउन कर लेना है। मतलब देखिए 1 इंच से आपको दो सूत कम यहाँ पे नीचे की तरफ डाउन करना है, यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए दोनों पॉइंट को बिल्कुल बराबर यहाँ पे इस तरह तिरछा करके मिला के देना है। तो उम्मीद है आपको कॉलर का ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है आप हमें जरूर कमेंट में पूछ सकते हो, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।